সম্প্রতি ঘটে যাওয়া নির্মম ধর্ষণকাণ্ডের বিষয়ে আমরা সকলেই জানি। আমাদের ভারত মায়ের সন্তান টুইঙ্কেল শর্মার ধর্ষকের জন্য আমরা সকলেই মারমুখী হয়ে রয়েছি। সকলেই চাই টুইঙ্কেলের ধর্ষকদের মৃত্যুদণ্ড হোক। 9 জুন রবিবার 3:30 হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভস অ্যান্ড জার্নালিস্ট শিবম তিওয়ারির উদ্যোগে পার্ক স্ট্রিট থেকে গান্ধী স্ট্যাচু পর্যন্ত একটি মোমবাতি মিছিল হয় ছোট্ট শিশু টুইঙ্কেলের আত্মার শান্তি কামনার জন্য। की है उसके साथ जो हादसा हुआ है, जो भयावह बहुत ही गंदी घटना हुई है, उसके लिए हमने आज ये प्रोटेस्ट किया है, कैंडल मार्च किया है और हम करते आ रहे हैं। पता नहीं ये हादसे कब रुकेंगे। हम ट्विंकल शर्मा की आत्मा की शांति के लिए आज कैंडल जलाए हैं यहाँ पर। शुरू किया था पार्क स्ट्रीट मोड़ से और गांधी मूर्ति के पास हमने यहाँ पर कैंडल जलाई हैं। मेरे साथ रबानी जी हैं, मैं उनसे बोलूँगी दो शब्द कहने के लिए। देखिए, ये तो मैं यही कहूँगा कि इसके पहले भी कैंडल मार्च हम लोग किए थे, वो थी हमारी बच्ची संस्कृति, फिर आसिफा, फिर आज ये ट्विंकल शर्मा। तो मैं यही कहना चाहूँगा सीधे सीधे जनाब योगी जी से कि आपकी सरकार वहाँ क्या कर रही है, और ये बच्ची के साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ है और जिन लोगों ने, ये दो लोगों ने ये काम किया है, उन लोगों के ऊपर में ऑलरेडी मॉलेस्टेशन और ईव टीजिंग का केस चल रहा था, फिर भी वो लोग खुले घूम रहे थे। वो लोग खुले कैसे घूम रहे थे, ये मेरा उनसे डायरेक्ट सवाल है। और अगर वो जेल में रहते, उनके ऊपर में अगर कड़ी कार्रवाई की जाती, तो आज ये हादसा नहीं होता। मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरा क्लियर मैसेज, गुलाम रबानी की आवाज़ जितनी दूर तक आपकी मीडिया के थ्रू पहुँच रही है, योगी जी से मेरा ये पूरा क्लियर सवाल है कि ये ऐसा क्यों हुआ और ये कब तक चलते रहेगा। ट्विंकल शर्मा को ही इंसाफ मिले उसके लिए नहीं आए हैं। उस जैसी कितने ही लड़कियों के साथ में ये हादसा दिन ब दिन होता जा रहा है, कभी 3 साल की, कभी 4 साल की, कभी 11 साल की, कभी उससे भी ऊपर होता है। बहुत सारी खबरें तो हमारे कानों तक आते ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो है मोदी सरकार और जो अभी लीडरशिप में है, जो ये सब देख रहे हैं, उन लोगों को खुद को शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए कि हमारे देश में जो नारी को इतना सम्मान दिया जाता है, वो बच्ची के साथ में इस हादसे से हम लोग क्या सबक मिला। हम लोग तो सेफ ही नहीं है। लेकर आज तक मोर देन देर 24,000 रेप केसेस आर पेंडिंग इन आवर कोर्ट्स। 24,000 से ज़्यादा से जायद रेप केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। मैं बताना चाहता हूँ कि हर धर्म ने नारी को सम्मान दिया है। किसी धर्म ने नारी के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया, इस्लाम धर्म ने नारी के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया, किसी धर्म ने नारी को दुर्गा माँ कहा, किसी ने धर्म ने नारी को लक्ष्मी कहा, लेकिन कब तक ये नारी असम्मानित होती रहेंगे पूरे देश में। आज पूरी दुनिया भारत की ओर अपनी बेटियों को भेजने से कतरा रही है। उन्नाव से लेके, कठुआ से लेके, आसिफा का मैटर हो, ट्विंकल शर्मा का मैटर हो, अफसोसनाक बात है कि आज फिर हम लोगों ने खबर पढ़ा है कि कल खुशी के साथ यूपी में फिर एक घटना हुआ है। कब तक ये घटना हम लोग इस तरह से सुनते रहेंगे, ये दरिंदगी होता रहेगा, कब तक ये हवानियत होता रहेगा। क्यों नहीं हमारी सरकार, हमारे भारत की सरकार एक बहुत कठिन से कठिन जो है वो सज़ा के साथ आती है, एक लॉ के साथ आती है, जिसके साथ इनको बहुत ही ज़्यादा जो है कठिन सज़ा दी जाए। मैं इनसे गुजारिश करूँगा, मैं हमारे सरकार से, हमारे कोर्ट से गुजारिश करूँगा कि इन
हैवानों को इतनी कठिन और इतना कड़ा सज़ा देना चाहिए और वो भी इस तरह से एक ऐतिहासिक सज़ा दीजिए, हो सके तो सरेआम इनको फांसी की सज़ा दी जाए ताकि कोई भी दूसरा ये करने से पहले, कोई भी हैवान ये करने से पहले हज़ार बार सोचे कि मैं ये करूं तो मेरे साथ ये अंजाम होगा। मिनिस्टर्स साहबा से यही गुजारिश करेंगे कि आप एक ऐसा कानून लाएँ जो आइंदा ऐसा कोई हादसा नहीं हो, क्योंकि इससे पहले आसिफा और कई बच्चियों के साथ ये हो चुका है। इस तरह अब हिंदुस्तान का कोई भी शहरी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि जब मैंने ट्विंकल शर्मा का सुना तो ट्विंकल शर्मा का जब पहली मरतबा नाम सुना तो मेरी छोटी सी 9 साल की बच्ची ने कहा ट्विंकल ट्विंकल, मुझे इस मेरे दिल में बहुत ज़बरदस्त ये चुभा कि हम अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाते हैं। आज उसी बच्ची के साथ हुआ। हम अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से यही कहेंगे कि आप पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून लाएँ कि आइंदा ऐसा कोई भी वाक़या हो जो हम इसको कबूल नहीं करेंगे और सारे हिंदुस्तान की आवाम कबूल नहीं करेगी। हमारी यही गुजारिश है कि कानून ला के उसको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए और आइंदा ऐसा कोई वाकया नहीं हो। मैं मलिक मोहम्मद इसहाक, एकता इंडिया का चेयरमैन। जो हुआ ये तो हम सभी देशवासियों से बोलना चाह रहा हूँ, ये जो चीज़ हुआ बहुत गलत हुआ है। आशा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे मेरा अनुरोध है सब देशवासियों को और हमारे सभी जितने भी इंडियन लोग हैं, ये ऐसे होने के लिए बहुत हम बहुत दुखी हैं। ऐसा निंदनीय काम जो हुआ है नहीं होना चाहिए था। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने बेटियों और बेटियों के साथ साथ बच्चे भी, आपने जो छोटे उम्र से है, जो लोगों के नज़रिया से थोड़ा उन लोग से बच के रहना चाहिए। आप भगवान से आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ऐसा काम नहीं, उस कितमा को शांति दे, इसके आगे भी रहता हूँ। अलीगढ़ में एक छोटी बच्ची का जान से मार कर हत्या कर दिया गया है, तो मेरा मानना यह है कि जो क्राइम ऑफ एनी काइंड हैज़ नो रिलीजन, क्राइम इज़ क्राइम। मैं यही संदेश, यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इससे कबल कुछ महीने पहले आसिफा के साथ भी यही मामलात हुआ था, तो उस टाइम जो ये मामलात किया गया तो उस टाइम नाम आया था कुछ लोगों का जिन्होंने ये किया, वो हिंदू थे, आज मुसलमानों ने किया। तो ये जो इसको धर्म के हिसाब से ना जोड़ा जाए, क्योंकि क्रिमिनल क्रिमिनल ही होते हैं, उनका कोई ज़ात और मज़हब नहीं होता। तो उन लोगों से यही अपील है कि आप लोग के पास अभी पावर है, आप लोग इन दरिंदों को ऐसी सख्त सज़ा दी जाए जो दोबारा कोई भी किसी मासूम बच्ची की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे। यही मैसेज है मेरी तरफ़ से और मैं सब भाइयों की तरफ से यही हम लोग की अपील है। हम लोगों ने ये प्रोग्राम निकाला कि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कैमरामैन गुड्डू गुप्ता के साथ मैं परवेज हाशिम, न्यूज़ टैग इंडिया।